आप हमेशा जब भी आ रहे हैं तो खुले डॉलर जरूर लेके आए। यानी डीजल का प्राइस यहाँ पर पेट्रोल से ज्यादा है। तो 10,300 रुपए फीस है गाना वीजा की। सो दिस इज आकरा फॉर यू। इस खाने को खाते खाते पूछा भाई शेफ कौन है, कहते भाई एक इंडियन शेफ है। ब्राविया होटल का जो स्टाफ है वो भी बहुत अच्छा है। अफ्रीका में जो बैंक का कारोबार है वो बहुत ज़्यादा है। तो टोगो के अप्लाओ बॉर्डर से हमने एंट्री कर ली है घाना में। करेंसी का जो रेट है यहाँ पे हमें 10.5 रुपये पड़ा है। ये बैग जब भी ऐसी जगह हो तो अपना आगे टांग लेना, पीछे मत टांगना। तो सफ़र शुरू होता है जी आगरा के लिए। सवारियां भाई की पूरी हुई नहीं थी तो कहता भाई थोड़े फालतू पैसे दे दियो। मैंने कहा कोई बात नहीं, थोड़े फालतू पैसे दे देंगे भाई, चल ले अब तू। तो हम चल रहे हैं जी आगरा के लिए। जो गूगल इस वक्त दिखा रहा है वो दिखा रहा है 187 किलोमीटर 3 घंटे 51 मिनट का सफ़र कार से। ये भाई ड्राइवर है, ब्रदर्स साथी सवारियाँ। तो जो हमारी अब लेटेस्ट बात हुई है वो हुई है 100 CD में। 100 CD का मतलब 1050 इंडियन रुपीज़ में यहाँ हम टोगो बॉर्डर से आगरा घाना पहुँचे। एक सवारी और मिल गई है तो अब रेट हो गए हैं कम 90 CD। यहाँ का जो स्टैंडर्ड रेट है वो है लगभग 900 से 900 रुपये जो यहाँ से लोमे बॉर्डर से घाना आगरा तक का है। इसने लेनी कर रखी है। निकल यार, बॉर्डर्स क्रॉस करना, लैंड बॉर्डर वो भी अफ्रीका के, एक अलग ही एक्सपीरियंस है अपने आप में। राइट, व्हाई दे वांट मनी? बिकॉज़ ऐसी भी लोड नहीं सो माफिया। भाई आते जाते कोई भी ये गाड़ी पे जा रहा है, कितने लोगों ने रोक लिया, बड़े पैसे दे पैसे दे, मतलब माफियागिरी चल रही है यहाँ पे। एक सीख और ले लो भाई, आज कभी भी आप लैंड बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं खासकर अफ्रीका में तो अपने पास खुले पैसे जरूर रखने, जो भी उनकी करेंसी हो थोड़ी बहुत, वो तो इमिग्रेशन वगैरह ये मांगेंगे ठीक है, वहाँ पर देनी है। कहीं कहीं नहीं भी मांग रहे, घाना में मेरे से कुछ नहीं मांगा किसी इमिग्रेशन ने, लेकिन कोशिश करते हैं कि कोई दे जाए। कस्टम वाली जो मैडम थी उसने थोड़ा सा ले लिया जो भी, लेकिन चलो आशीना जब भी कोई नहीं है प्यार से कोई दे दे ओके, नहीं तो जाने दे से। तो एक तो खुले पैसे जरूर रखने हैं, दूसरा आप हमेशा जब भी आ रहे हैं तो खुले डॉलर जरूर लेके आएँ, यानी 20-20 के 10 के डॉलर्स के नोट जरूर लेके आएँ यहाँ पर चेंज कराने के लिए। चाहे वो एयरपोर्ट हो कोई, चाहे वो बस स्टैंड हो कोई, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, वहाँ पर हमेशा रेट ज़्यादा मिलेंगे। तो आपको थोड़ा सा चेंज कराना पड़ता है अमाउंट जो आप टैक्सी वगैरह के लिए एयरपोर्ट से अपने होटल या अपने किसी भी रिलेटिव के घर या किसी भी जगह जाना है उसके लिए आपको टैक्सी के लिए थोड़ा अमाउंट चाहिए होता है। तो वो थोड़ा अमाउंट आप 10 या 20 डॉलर जितना आपको टैक्सी के लिए पानी वगैरह के लिए चाहिए वो आप चेंज करा सकते हैं। तो वो अमाउंट हमेशा रखना है, 100-100 के डॉलर नहीं रखने। तो ध्यान रखें, छोटे नोट जरूर लेके आए अपने साथ और थोड़ा बहुत खाना और पानी जरूर होना चाहिए आपके पास जब आप लैंड से सफर कर रहे हैं। भाई कभी भी आप इस कार में बैठो तो आगे ही बैठना, क्योंकि रुकते रुकाते जाते हैं पीछे, किस तरह का पैसेंजर बैठ जाए, फैल के बैठ जाए, थोड़ा मोटा बैठ जाए पता नहीं, लेके मत चला जियो भाई कार। मेरा बैग वैग सब कुछ उसमें, तब पेट्रोल भरवाने हम रुके थे। डीजल का प्राइस यहाँ पर पेट्रोल से ज़्यादा है, 13.700, मतलब के 140 इंडियन रुपीज़ के आसपास पेट्रोल का प्राइस है, 10,700 मतलब के 110 रुपए के आसपास जो भी है भाई, इसको गुणा कर देना 10 रुपए 50 पैसे से। थैंक यू माय डियर, थैंक यू ब्रदर। मौसम बहुत अच्छा हो गया है लेकिन यहाँ पर ज़्यादा गर्मी है बनिस्पत टोगो के और बेनिन के। अभी जो टेम्परेचर है वो है 28 डिग्री सेल्सियस, लेकिन गर्मी यहाँ, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है बेनिन और टोगो से। My friends, hey, get out of your comfort zone. It's a blessing in disguise. Get out of what you call home.
is written in the sky. It might feel just like you're on your own, but baby, it's another lie. Remember, you want me. I try to lie. Rain start ho gayi hai aur ek bahut hi khoobsurat landscape samne. गाना में जो ड्राइविंग साइड है वो राइट साइड है और स्टीयरिंग लेफ्ट साइड पे है. यहाँ पर पेट्रोल और डीजल का रेट फ़र्क है ज़्यादा है बल्कि यहाँ पर. तो अब लगे हाथ गाना के वीज़ा की भी बात कर लेते हैं. गाना का जो वीज़ा है वो मैंने दिल्ली में अप्लाई करवाया था गाना एम्बेसी में, और उसकी जो फ़ीस है वो है 10,300 इंडियन रुपीज़. और जो डॉक्यूमेंट्स लगे थे वो जनरल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लाइक बैंक स्टेटमेंट लगी थी 6 मंथ की, कुछ रूट वगैरह आइटनरी. मैं देखो मैंने पहले भी हमेशा कहा है कि मैं अपना वीज़ा जो है वो ट्रैवल एजेंट के थ्रू ही अप्लाई कराता हूँ, तो वही सारे जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं वो लगा देते हैं. तो मुझे जो डॉक्यूमेंट देना पड़ता है वो बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ती है, और समटाइम्स ITR कोई कंट्रीज मांग लेती हैं वो देनी पड़ती है. तो 10,300 रुपये फ़ीस है गाना वीज़ा की. बाकी ट्रैवल एजेंट की जो फ़ीस है वो दी गई. 3 महीने के लिए वीज़ा मिला, 1 महीने की उसमें एंट्री दी है वीज़ा में. वो एंट्री यहाँ पर जब इमिग्रेशन ऑफिसर के पास मैं गया था उन्होंने बोला था कि भाई कितने दिन के लिए रहना चाहता है. मैंने कहा कि 1 हफ़्ता. फिर वो लिखने लगा तो मैंने कहा आप इस पे लिखोगे 1 हफ़्ता? कहता हाँ लिखूँगा. तो मैंने कहा फिर 15 दिन कर दो, बाई चांस एक आध दिन ऊपर नीचे कभी हो जाए. लेकिन उन्होंने 30 दिन उस पर मुझे एंट्री दे दी है. तो 30 दिन की एंट्री, सिंगल एंट्री वीज़ा, 10,300 रुपये फ़ीस, इंडियन एम्बेसी में अप्लाई होता है. और अगर आपके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है या सर्विसेज है तो आपको वीज़ा एग्जेम्प्ट है. उसकी लिस्ट वहाँ इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में लगी हुई थी, उसकी मैंने फ़ोटो खींच ली है. तो कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिनके जो डिप्लोमेट्स हैं उनका सर्विसेज है तो उनको वीज़ा एग्जेम्प्ट है, और कुछ इनकी ट्रीटी कंट्रीज हैं जिनको ये वीज़ा देते हैं. तो 4 से 5 दिन में घाना का वीज़ा आराम से आ जाता है, स्टिकर वीज़ा घाना का लगता है. ये थी मोटी मोटी घाना के वीज़ा की इन्फॉर्मेशन. बाकी रूल्स वगैरह बदलते रहते हैं, जब भी आपने जाना हो अपने ट्रैवल एजेंट से बात कर लेना तो वो आपका वीज़ा लगवा देंगे. So this is Accra for you. जितनी भी बढ़िया बिल्डिंग दिखेंगी ना यहाँ पे भी बैंकी है सारी बढ़िया. भाई फुटबॉल ये लवर हैं फुटबॉल के, और इनकी टीम भी बहुत अच्छा खेलती है गाना की. साथी सवारियां भाई सारी उतर गई हैं, और मुझे जहां पहुंचना है वहां ये भाई से मैंने सेटिंग कर लिया कुछ पैसे फालतू दे के. अब मेरे बस की तो है नहीं कि मैं उतरता फिर मैं टैक्सी करूं, अपने बस की है नहीं भाई ये काम. जो 100-200 फालतू लगेंगे दे के अपना टाइम से पहुँचता हूँ जहाँ मुझे जाना है. तो ये भाई मुझे छोड़ देगा वहाँ तक, मिलते हैं आज. थैंक यू सो मच ब्रदर. तो भाई 4 घंटे बाद, तो भाई 4 घंटे बाद पहुंच गया हूं मैं आगरा लोमे बॉर्डर से. और आगरा घाना आने के लिए कोई भी इंडिया से डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं आती है, तो जो मेजर फ़्लाइट्स हैं वो कतर और एमिरेट्स और इथोपियन एयरलाइन वो वाया होते हुए आती हैं अपनी अपनी कंट्रीज़ में. और मैं पहुँचा हूँ जहाँ मैं रहने वाला हूँ यहाँ पे. अंदर चल के बताता हूँ मैं कहाँ रह रहा हूँ. थैंक यू बाय. तो भाई जहाँ मैं रुकने वाला हूँ वो हमारे एक दोस्त मजर भाई का फ्लैट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मजर भाई को यहाँ से जाना पड़ गया है. आज ही वो गए हैं और अभी एयरपोर्ट पे ही होंगे. मजर भाई मिस यू, और उनसे मेरी काफ़ी बात होती रही, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको कोई ऐसा काम पड़ गया कि उन्हें जाना पड़ गया. अब वो घाना भी कभी नहीं आएंगे वापसी, मतलब अभी तो नहीं आएंगे, कभी फ्यूचर में उन्हें कोई काम हुआ तो. वैसे वो 2-2.5 साल से यहाँ रह रहे थे, सीनियर
टेक्नीशियन थे और अभी छोड़ गए हैं, लेकिन ये फ्लैट मेरे लिए छोड़ गए रहने के लिए। 21 तारीख तक उनका रेंट है, देखते हैं। तो भाई ये फ्लैट है सुंदर सा, लेकिन मजर भाई यहाँ नहीं है, उनके बिना सा रहेगा, देखते हैं। सुलेमान मेरी उम्मीद, मेरे दोस्त, एक बेडरूम, दूसरा बेडरूम। हाँ, यहाँ पर गद्दे बहुत मोटे होते हैं, मैंने देखा था वहाँ अफ्रीका में, इसमें भी बहुत मोटे गद्दे हैं। ये किचन भाई, पीछे बड़ा अच्छा सा गार्डन दिख रहा है। तो भाई ये था अपना सफ़र लोमे टोगो से आकरा घाना तक का। उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा बहुत कुछ जानने को, कुछ नया देखने को आपको मिला होगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्ते, शुक्रिया, जय हिंद।